संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर उत्तर रामचरितम की व्याख्या चले, भवभूत की रचना है। तृतीय अंक हमारे सिलेबस में दिया गया है और अभी तक हम लोग पांच अर्थात शुद्ध विष्कम्भक पढ़ चुके हैं। और शुद्ध विष्कम्भक में हमने पढ़ा था कि शरद ऋतु की जो धूप होती है केतकी गर्भपत्रम, केतकी एक फूल होता है, उस फूल के अंदर मतलब सबसे अंदर जो पंखुड़ी होती है उसको भी सुखा देती है। शरद ऋतु की धूप जिस व्यक्ति को लग जाए वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। वर्षा काल के बाद ऐसी धूप आती है। अब यहाँ पर जैसे ही यह वचन अनुसुईया के समाप्त होते हैं, क्षम्यतम मुरला के समाप्त होते हैं, सभी लोग मंच से निकल जाते हैं। यहीं पर शुद्ध विष्कम्भक दो नदी पात्रों के द्वारा बताया जाता है और मध्यम पात्र होने के नाते यह शुद्ध विष्कम्भक है और सभी लोग परिक्रमा मंच पर करते हुए निकल जाते हैं। तभी फिर नेपथ्य से आवाज़ आती है कि जात जात, हे पुत्र हे पुत्र। ततः प्रविशति और मंच पर पुष्पा अवच व्याग्रा माने व्यस्त, व्याग्रा अर्थात पुष्प चुनने का अभिनय करती हुई या नाटक करती हुई। यह नाटक है, मंच पर किया जा रहा है। तो पुष्प चुनने का नाटक करती हुई सकर्णौ उत्सुक्य आकर्णयन्ति सीता, उत्सुकता के साथ उस वचन को सुन रही है। जैसे नेपथ्य से आवाज आई कि जात जात, हे पुत्र हे पुत्र। नेपथ्य से किसकी आवाज आई अभी यह क्लियर नहीं है, लिखा ही नहीं है, केवल इतना ही भवभूत ने लिखा, नेपथ्य जात जात, हे पुत्र हे पुत्र। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जाते शब्द आया है। जाते यदि होगा तो पुत्री का बोध होगा, जात शब्द है तो पुत्र का बोध हो, जैसे राम बनता है संबोधन में। और जाते जैसे रमे रूप बनता है, जाता माने पुत्री होता है, संबोधन में जाते बनेगा। जात शब्द है इसीलिए यहाँ पर पुत्र शब्द आया, संबोधन में पुत्र होगा। क्लियर हो गया? तो यह संबोधन का रूप है कि जात जात। और इसके बाद मंच पर ततः है माने इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती हैं सीता जी और पुष्प चुनने का नाटक करती हुई, पुष्पा अवचय माने चुनती हुई, व्यग्रा माने व्यस्त। पुष्प चुनने के नाटक में व्यस्त सकर्णव उत्सुकता के साथ, करुणा के साथ। भाई वियोग 12 वर्ष का है, करुणा भी है, उत्सुकता इसलिए है कि वह आवाज़ कहीं से आ रही है, उस आवाज़ को वह सुन रही हैं। आकर्णयन्ति कान देकर और सीता मैं सुनती है, आकर्णयन्ति माने कान देकर सुनती हैं कि सीता अहो जानामि। सीता कहती हैं अहो जानामि, मैं तो जानती हूँ। अहो शब्द यहाँ आश्चर्यचकित के लिए आ गया, अहो मैं इस आवाज़ को जानती हूँ, अहो जानामि, जनाम से मैं का बोध हो गया कि मैं जानती हूँ प्रिय सखी वासंती, ये हमारी प्रिय सखी व्याहरती, हमारी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। क्योंकि जब मैं राम के साथ इस पंचवटी में रहती थी तो मैं अपने वासंती की आवाज़ सुनी थी, आज 12 वर्षों बाद अपने उस प्रिय सखी वासंती की आवाज़ को सुन रही हूँ। तो वही लिखा है अहो जानामि, मैं जानती हूँ, अहो शब्द इसीलिए आ गया, ओहो हो मैं जानती हूँ यह हमारी प्रिय सखी बोल रही है, वासंती व्याहरती अर्थात बोल रही है। तब फिर नेपथ्य से आवाज़ आई, इसलिए लिखा है पुनः नेपथ्य, फिर नेपथ्य से आवाज़ आई। और यह आवाज़ जो शुरू में आपने पढ़ा कि जात जात अर्थात वह वासंती बोल रही थी, जो शब्द वह आकर्ण्य सीता अर्थात आकर्ण्यंती सीता, सीता जो आवाज़ पुष्प चुनते समय सुनी थी मंच पर कि हे पुत्र तो जो यह हे पुत्र बोल रही थी वह वासंती बोल रही थी। इसीलिए बाद में वह कहती अहो जनामि प्रिय सखी
बासंती व्याहरयति, अर्थात यह हमारी प्रिय सखी बासंती बोल रही है। आवाज़ सीता जी पहचान गई। अब उसके बाद फिर नेपथ्य से आवाज़ आई, पुनर्नेपथ्य, फिर जो है नेपथ्य से आवाज आई, मंदाक्रांता छंद है कि सीता दे व्यास्व कर कलित मंदाक्रांता जल दे सद गई। सीता दे व्यास्व कर कलित सल के पल्लवाग्रय, हमारे साथ बोलिए कि सीता दे व्यास्व कर कलित सल के पल्लवाग्रय अग्रे लोलह करे कलभको यह पूरा वर्दे तो भूत। फिर उसके बाद सीता ने कहा कि किम तस्य, आपने एक गाने की धुन सुनी होगी, फिर क्या हुआ। ऐसा गाना होता है कि दो चार लाइन गाने के बाद हीरो या हीरोइन बोलता है आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। उसी तरह से यह भी लिखा गया है कि अग्रे लोलह करे कलभको यह पूरा वर्दे तो भूत। तब सीता जी कहती हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो बोले कि वद्वाशार्धम, फिर नेपथ्य से आ जाई कि वद्वाशार्धम पायसे विहरन सोय मन्ने न दर्पात उद्धामे न द्वैरद पतिना सन्निपत्याभिमुक्त उद्धामे न द्वैरद पतिना सन्निपत्याभियुक्त। मंदाक्रांता छंद में नेपथ्य से आवाज आई और यह श्लोक वासंती कह रही है कि सीता दे व्या, माने सीता देवी के द्वारा, तृतीयांत है, सीता देवी के द्वारा स्वकर कलितय, अपने हाथों के द्वारा दिए गए थे, कलितय माने दिए गए थे या पोषण किया गया था कि सीता दे व्यास्व कर कलितय सल के पल्लवाग्रय, सल की पल्लवाग्रय, सल की एक लता थी, उसके उस सल की लता के अग्रभाग के पल्लव के द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया था, अग्रे लोलह, लोलह माने चंचलता, और दिया है करे कलभ को, हाथी का बच्चा, अर्थात सीता देव्या स्वकर कलित कलितय, अर्थात सीता देवी के द्वारा अपने हाथों के द्वारा जो है सल्लकी पल्लवाग्रय, अपने सल्लकी पल्लवों को अपने हाथों के द्वारा कर कलभ को दिया गया था, माने हाथी के बच्चों को सल्लकी पल्लव खिलाया गया था। और यह माने, यह माने जो पूरा वर्धितो अभूत, पूरा माने पहले और अग्रह माने लोल, लोलह कली कर कलभ को, और वह जो हाथी था बड़ा चंचल था, और अग्रह पूरा अग्रह, और यह बहुत पहले वह सल्लकी पल्लवों को खिला खिला कर सीता जी ने उसे बढ़ा दिया था, अर्थात उसको बड़ा कर दिया था। यह घटना आपको थोड़ी थोड़ी अभिज्ञान शाकुंतलम से भी मिलेगी, वहाँ हिरण का बच्चा था और उसे तिन्नी के चावल खिलाए गए थे, सांवा,
और यहाँ पर सल्लकी पल्लव खिलाया गया था। सल्लकी एक वृक्ष है, एक लता है, उसके अग्रभाग को माने कोमल कोमल पत्ते को तोड़कर जो है उस करिकलभ को, उस हाथी को खिलाया गया था। यह अग्रे लोल है, और वह लोल है माने चंचल, वह जो करिकलभ था, जो हाथी का बच्चा था, बहुत चंचल था, और उस सल्लकी पल्लव को खिलाए जाने से वह हाथी का बच्चा पूरा वर्धितो अभूत बड़ा कर दिया गया था। सीता देवी के द्वारा या सीता देवी अपने हाथों से सल्लकी पल्लवाग्रह, सल्लकी के कोमल पत्तों को अग्रह दिया ना, अग्रह माने जो अभी निकले हुए वह कोमल पत्ते होते हैं, ऐसे पत्तों के द्वारा कल कल भको हाथी, और वह हाथी कैसा है, लोला है माने चंचल हाथी का बच्चा, वह दिया है कि पूरा अग्रे पहले खिलाया गया था। यह जो दृश्य है वर्तमान का चल रहा है, लेकिन नेपथ्य से वासंती आवाज़ दे रही है कि यह वही हाथी है जिसको सीता मैया ने जब पंचवटी में राम के साथ निवास कर रही थी तब वह हाथी बच्चे की अवस्था में था। वही जो करिकलभ था उसी हाथी को जिसने वर्धितो बढ़ाया था, पालन पोषण किया था, अर्थात बड़ा किया था। जब ऐसी आवाज़ नेपथ्य से पर्दे के पीछे से सुनाई पड़ती है तो सीता जी कहती हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। सीता पहचान रही कि ये वासंती बोल रही है, और जब सीता जी ने ऐसा सुना कि हमारे द्वारा जो हाथी सल्लकी पल्लवों के द्वारा बड़ा किया गया था, ऐसे वचन को सुनकर तब तुरंत सीता कहती हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। फिर नेपथ्य से आवाज आती है वर्ध्वासार्धम पायसे बिहरन, वर्ध्वासार्धम, वर्ध्वा में तृतीयांत लग गया सार्धम के साथ, सहसाकम सार्धम के साथ तृतीयांत लग गया कि अपने वधु माने स्त्री के साथ अब वह हाथी बड़ा हो गया है, और वह अपने पायस माने जल में बिहरन स्नान के लिए, बगल में गोदावरी नदी है, उसी गोदावरी नदी में वह अपनी पत्नी के साथ जल विहार कर रहा है। कौन सा हाथी, जिसको सीता जी ने सल्लकी पल्लवों को खिला खिला कर बड़ा किया था। वद्वासार्धम पयसे विहरन, और वह अपनी पत्नी के साथ वधु दिया, इसलिए तृतीयांत में वध्वा बनेगा, वधु वधु वध्वा वध्वे वध्वाह वध्वाह वध्वाम वध्व, ऐसा रूप बनेगा तो वही दिया है। विरहन स्व स वह अयम अन्येन दर्पात, अन्येन दर्पात उद्दामेन दुरद पतिना, तो हो जाएगा अन्येन माने किसी अन्य हाथी के द्वारा, दुरद पतिना माने हाथी का स्वामी या किसी बड़े हाथी के द्वारा, वह पति पत्नी उस गोदावरी नदी में, वह हाथी हथनी उस गोदावरी नदी में जल विहार कर रहे थे, लेकिन किसी अन्य हाथी के द्वारा, तो दिया है बिरहन सह अयम अन्नेन, और उसके ऊपर अन्य उद्दामेन दुरद पतिना, किसी उदंड हाथी के द्वारा दर्पात माने घमंड के कारण, किसी अहंकार में चूर घमंड में चूर हाथी के द्वारा, वह हाथी अन्य था, उसको कोई पाला पोसा नहीं था, ये दोनों पति पत्नी के साथ हाथी जल विहार कर रहे थे। और सन्निपत्य समीप जाकर अभियुक्तम माने आक्रमण कर दिया। जब सीता जी ऐसा सुनती हैं कि जिस हाथी को मैंने सल्लकी पल्लवों के द्वारा बड़ा किया था वह अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा हो गया कि उसका शादी विवाह भी हो गया, वह अपने पत्नी के साथ भी विचरण करने लगा, जल में स्नान कर रहा था, लेकिन किसी अन्य उदंड हाथी के द्वारा, दुष्ट हाथी के द्वारा उसके पास जाकर या उसके समीप जाकर उस करिकलभ के ऊपर, करिकलभ माने वर्तमान में वह हाथी है जो अपनी पत्नी के साथ है, सीता जी भी ने जिसको बढ़ाया था, उस हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया।
मंदाक्रांता जलधि सद गई उद्दामेन द्विरद पतिना। द्विरद पतिना माने हाथियों का स्वामी, कि किसी हाथी के द्वारा जो अन्य था उस पति पत्नी के ऊपर, उस हाथी हथनी के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। जैसे ही सीता जी यह वचन सुनती हैं तब आगे कहती हैं, स संभ्रमम कतचित पदानि गत्वा, शीघ्रता के साथ, गत्वा माने जाकर, शीघ्रता के साथ कुछ पैर आगे चलकर, कतचित पदानि माने कुछ पैर आगे चलकर, गत्वा माने जाकर, आर्य पुत्र, सीता जी हमेशा जब पंचवटी में राम के साथ रहती थी तो अपने राम को आर्यपुत्र ही कहती थी, अपने पति को आर्यपुत्र ही कहती थी। लेकिन इस समय मंच पर राम अभी आए नहीं हैं, राम का प्रवेश नहीं हुआ है, फिर भी उस घटना को सुनकर कि उसके द्वारा पाले गए हाथी के ऊपर किसी अन्य उदंड हाथी ने आक्रमण कर दिया है, इसीलिए वह शीघ्रता से कुछ पैर, कुछ पद आगे चलकर, कुछ पग आगे बढ़कर आर्यपुत्र ये संबोधन, हे आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायवस, रक्षा करो रक्षा करो, मम तम पुत्रकम, मम माने मेरे, तम माने उस हाथी के, पुत्रकम माने पुत्र को, तम माने उस हाथी जिसको मैंने पुत्र की तरह पाला था, मेरे उस हाथी को बचाओ। आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, हे आर्यपुत्र रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मम तम पुत्रकम, मम माने सीता, मम माने मेरे, तम माने उस हाथी की जिसको मैंने पुत्र की तरह पाला था, परित्रायस्व परित्रायस्व, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। फिर सीता जी विचिंत सोचकर, सीता जी सोच में पड़ जाती हैं, कहती हैं, हाधिक हाधिक हाधिकार है धिक्कार है, ताने चिरपरिचितानि, अर्थात वही चिरपरिचित अक्षर हैं, जब मैं राम के साथ, सीता राम के साथ इस पंचवटी में रहती थी, वही चिरपरिचित अक्षर मुझे याद आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं 12 वर्ष पहले जो राम के साथ समय व्यतीत करती थी वैसा मुझे आभास हो गया। राम है नहीं फिर भी मुख से निकल गया आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व, इसीलिए तो बाद में कहा, सोचकर हार्दिक हार्दिक धिक्कार है धिक्कार है, राम है ही नहीं फिर भी मुख से ऐसा वचन निकल गया। तो ही बोला, तान्ने वो चिरपरिचितानि अक्षराणि, ये वही चिरपरिचित अक्षर हैं, जब राम जी के साथ मैं रहती थी तो मैं उन्हें आर्यपुत्र ही कहती थी। और आगे बताया, पंचवटी दर्शनेन, और इस पंचवटी के दर्शन मात्र से ही माम माने मुझ मंद भागनी में अनुबंधत, मुझे 12 वर्ष पीछे, माम मंद भागनी में अनुबंधति, अर्थात मैं उस 12 वर्ष के पीछे के बंधन में बंध रही हूँ, इसीलिए मेरे मुख से आर्यपुत्र निकल गया। अनुबंधत का अर्थ यही होगा कि मुझे वो 12 वर्ष पूर्व की चीज़ें याद आ गई, कि जब मैं राम के साथ रहती थी तो राम को मैं हमेशा आर्यपुत्र ही कहा करती थी, इसीलिए मेरे मुख से अकस्मात एकाएक आर्यपुत्र निकल गया। वही चीज़ यहाँ बताई, फिर कही, हा आर्यपुत्र, इतना कहती है, हे आर्यपुत्र, और नीचे लिखा है इत मूर्छित, इतना कहकर वह सीता जी बेहोश हो जाती है। पहली बार तृतीय अंक में सीता जी पहले स्वयं बेहोश हो गई, और किसके लिए आई थी, कि राम मूर्छित न हो जावें, यदि राम मूर्छित हो जावें तो बीचे वात से कर छोड़ से तय, उनके लिए उपाय किया गया था, लेकिन उपाय से पहले सीता जी ही मूर्छित हो गई। अब फिर प्रवेश करके या प्रविष्ट होकर तम सा, मंच पर जैसे ही सीता बेहोश होती हैं, मूर्छित होती हैं, तुरंत तमसा आती है, समास्वसे समास्वसे,
धैर्य रखो, धैर्य रखो। हे सीता, तुम धैर्य रखो अर्थात धीरज बांधो, अपने श्वास की गति को तेज ना करो, धीरज रखो, धैर्य रखो। तभी नेपथ्य से आवाज़ आती है कि विमान राज अत्रैव स्थेयताम। विमान राज वही पुष्पक विमान, हे पुष्पक विमान अत्रैव माने यहीं पर, स्थेयताम यहीं रुको, यहीं रुको। और यह पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है, सीता जैसे ही ऐसी आवाज़ सुनती है, अभी यह मंच पर नहीं आया है, कहीं से आवाज़ आ रही है, तो समाश्वस्य समाश्वस्य ससाध्वांसो उल्लासम। समाश्वस्य धैर्य के साथ, धीरज के साथ, ससाध्वांस भय के साथ, उल्लासो आनंद के साथ। भय भी है, उल्लास भी है। और आगे लिखा धीरता के साथ, माने सीता जी भयभीत भी हो गई और आनंद भी है। आनंद इसलिए है कि उन्हें राम की आवाज़ सुनाई पड़ी कि विमान राज अत्रैव स्थेयताम। विमान राज यहीं रुको, हे पुष्पक विमान यहीं उतरना है, इसलिए यहीं रुको। इसीलिए वह उल्लासित भी हो गई। अहो जल भर भरित मेघ, जल भर भरित मेघ मंथर अस्तनित गंभीर मांसलह कुतोन्मेष भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंद भागनिम झटते उत्सुकयते। सीता जी कह रही हैं, अहो जल भर भरित मेघ मंथर, जल से परिपूर्ण भरा हुआ जो यह मेघ है वह मंथर गति से अस्तनित गरज रहा है, गंभीर मांसल अर्थात गंभीर ध्वनि कर रहा है। और कुतोन्मेष है, पुष्पक विमान आ रहा है, उसकी भी आवाज़ उसी की तरह होगी कि यह जो आवाज़ आ रही है कि विमान राज अत्रैव स्थेयताम, ऐसा लग रहा है कि यह आवाज़ में भारीपन है और जल भर भरित है, धीरे धीरे सुनाई पड़ा जैसे मेघ, यदि उसमें जल होगा तो वह धीरे गति से चलेगा, यदि मेघ में जल नहीं होगा तो वह उड़ जाएगा। इसीलिए कहा भवभूत ने कहा कि जल भर भरित मेघ मंथर अस्तनित गंभीर मांसल, अर्थात जल से परिपूर्ण मेघ की मंथर गति है और वह अस्तनित है, उसमें जो आवाज़ है वह गंभीर है, मोटी आवाज़ है, कुतोन्मेष है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? जो राम ने शब्द बोला विमान राज अत्रैव स्थेयताम, यहाँ पर तुलना मेघ से कर दी सीता जी ने कि यह ऐसा लग रहा है जैसे मेघ जल से भरा हो, मंथर गति हो और उसकी गंभीर आवाज़ हो, ऐसी ही आवाज़ मुझे उस राम की सुनाई पड़ी। और कुतोन्मेष है, कहाँ से आ रही है? भारती निर्घोष है यह आवाणी, यह आवाज़, यह ध्वनि कर्ण विवराम मेरे कानों में भ्रियमाण भर रही है। यह जो आवाज़ आ रही है विमान राज अत्रैव स्थेयताम, ऐसा लग रहा है जैसे जल से भरा हुआ मेघ गंभीर आवाज़ करता है, उसी तरह से यह आवाज़ हमारे कानों में भारती निर्घोष कुतोन्मेष है, कहाँ से आ रही है? इसीलिए वाणी निर्घोष है अर्थात भारती निर्घोष है, यह वाणी की ध्वनि कर्ण विवराम मेरे कानों में भ्रियमाण भर रही है। इसलिए मामयापि मुझ भी, माम माने मुझे भी मंद भागनी इस अभागन को झटिति उत्सुकयति, तुरंत उत्सुकता मिला दिया। यह ऐसी आवाज़ थी कि मैं तो बेहोश थी, लेकिन जैसे ही हमने विमान राज अत्रैव स्थेयताम शब्द को सुना मैं होश में आ गई। आगे नहीं लिखा कि होश में आने पर, वह श्री रामचंद्र जी के आवाज़ को सुनकर सीता स्वतः होश में आ जाती है। इसीलिए तो लिखा कि यह जो मेरे कानों में आवाज़ भर रहे हैं
जो ये वाणी की ध्वनि कर्ण विभ्राम व्रियमाण हमारे कानों में भर रहे हैं, माम अपि मंद भागनिम, मैं ऐसी अभागन हूँ कि झटति उत्सुकेति, कि उस आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत उत्कंठित हो गई, मैं जाग गई, मैं होश में आ गई। फिर आगे बताया कि तमसा सस्मितम अश्रम, तब तमसा सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, अश्रम आंसू के साथ, मुस्कुराना और अश्रम आंसू के साथ, दोनों चीज़ें तमसा एक साथ करती है और कहती है अये पुत्रे अये वत्से, हे पुत्रे हे सीता। और यहाँ तमसा मुस्कुरा भी रही है आंसू में, आंसू इसलिए हैं कि आर्य पुत्र को नाम लेकर या आर्य पुत्र कहकर वही सीता मूर्छित हो जाती है, इसका तो उन्हें शोक है, इस कारण उनके आंखों में तमसा के आंसू हैं। लेकिन उसी आर्य पुत्र की आवाज़ को सुनकर सीता स्वतः होश में आ जाती हैं, यह मुस्कुराहट है। इसलिए भवभूत ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया कि सीता स्वतः होश में आ गई, सस्मिताश्रम अर्थात मुस्कुराहट और आंसू के साथ आई वर्षे हे पुत्रे, कहती है अपरिस्फुट निक्वाणे अपरिस्फुट निक्वाणे कुते कुतस्ते पित्वमीदृशे अस्तन इतनो मयूरी व अस्तन इतनो मयूरी व चकितोत्कंठितम स्थिता चकितोत्कंठितम स्थिता अपरिस्फुट निक्वाणे, माने जो वह आवाज़ आई थी वह अस्पष्ट थी, अपरिस्फुट थी, और निक्वाणे माने ध्वनि, जो वह ध्वनि आई थी, जो वह वाणी शब्द हमें सुनाई पड़ा था वह अपरिस्फुट था। और कुतेश कहाँ से आई तुम ईदृशी, यह आवाज़ कहाँ से आई, अपरिस्फुट वाणी थी, कुछ अस्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा था और तुम इस प्रकार से हो गई। लिखा ना तुम ईदृशी, तुम से सीता का बोध हो रहा है कि ये सीता तुम इस प्रकार से होश में आ गई, कि वह आवाज़ राम की थी कि नहीं थी, लेकिन तुमने उस आवाज़ को राम की आवाज़ समझकर होश में आ गई। तो वही चीज़ लिखा है कि अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्ते पि त्वमीदृशी, कि तुम इस प्रकार से हो गई, त्वमीदृशम तुम इस प्रकार से जो है अपने स्वरूप को बदल लिया, तुमने इस प्रकार से क्रियाएं कर दी, तुरंत उत्कंठित हो गई। मूर्छित अवस्था में व्यक्ति किसी की आवाज़ सुनकर यदि होश में आ जाए तो यह क्या है, उत्कंठा ही तो है। उस आवाज़ को उसके हृदय में पहुंचा, उस आवाज़ से उसे चेतना मिली और बोला अस्तन इतनो मयूरी व, जैसे अस्तन इतनो बादल, अस्तन इतनो माने बादल की अपरिस्फुट निक्वाणे, ऊपर से जोड़ लो कि बादल की भी जो ध्वनि होती है वह अपरिस्फुट होती है, वह साफ शब्द नहीं होते, घड़घड़ाहट की आवाज होती है। ऐसी वाणी को सुनकर मयूरी व मोर भी दिया है चकितो उत्कंठितम स्थिता, मोर भी उत्कंठित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। जब भी बादल गरजेंगे, बादल को जब भी मोर देखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है, नाचना प्रारंभ कर देता है। उसी तरह यह सीता भी उस मयूरी के समान है कि वह बादल रूपी ध्वनि को सुनकर अर्थात राम रूपी बादल की ध्वनि को सुनकर, राम रूपी बादल की ध्वनि को सुनकर जैसे सीता रूपी मयूरी आश्चर्यचकित हो जाती है। अर्थ समझ में आया कि यह जो अपरिस्फुट माने जो शब्द अस्पष्ट ना हो ऐसी वाणी को सुनकर दिया है कुतस्य कुतस्तेपि, आवाज़ कहाँ से आई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस प्रकार से हो गई कि तुम तुरंत होश में आ गई। तुम ईदृशम दिया है,
कि तुम इस प्रकार से हलचल करने लगी, तुम तुरंत होश में आ गई। कैसे होश में आ गई? नीचे उपमा दे दिया कि अस्तन इतनो, जैसे बादल की गर्जना को सुनकर अस्तन इतनो अपरिस्फुट निक्वाड़े, बादल की भी ध्वनि अपरिस्फुट होती है, कोई स्पष्ट शब्द उसमें नहीं होता, फिर भी उस शब्द को सुनकर जैसे मयूरी मोर उत्कंठित हो जाती है, चकित हो जाती है, वह नाचना प्रारंभ कर देती है। उसी तरह मोर के नाचने का अर्थ यह हुआ कि बादल गरजेंगे, और व्यक्ति नाचता कब है? प्रसन्नता की अवस्था में, जब उसके अंदर मन में खुशी होगी। और सीता को होश क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी का आर्य पुत्र की आवाज को सुना, वह प्रसन्नचित हुई, इसीलिए उनका हृदय शोक से जाग गया, होश में आ गई। अपरिस्फुट निक्वाड़े कुतस्ते दृशे, और अस्तन इतनो मयूरी, बादल की तुलना राम से और मयूर की मोर की तुलना सीता से कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे राम रूपी बादल की आवाज को सुनकर मयूर रूपी सीता उत्कंठित हो गई। तब इसके बाद सीता कहती हैं भगवती, यह भगवती शब्द तमसा के संबोधन के लिए आया है कि हे तमसा, किम भड़स्य परिस्फुटते, किम भड़सी, क्या कह रही हो? परिस्फुट आवाज अस्पष्ट थी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, देखो लगा है ना, तो परिस्फुट इति कहने का तात्पर्य है कि तुम कह रही हो अपरिस्फुट आवाज थी, अस्पष्ट आवाज थी, इसके पहले पढ़े हो ना अपरिस्फुट निक्वाड़े, मुझे वह आवाज साफ साफ सुनाई पड़ी। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, भगवती हेतम से क्या कह रही हो, किम भड़सी, क्या कह रही हो? कि परिस्फुटेति आवाज अस्पष्ट थी, स्वर संयोगेन प्रत्यभिजनामि जानामि, मैं अपने उस आर्य पुत्र के स्वर संयोग को जानती हूँ, मैं उनके आवाज को पहचानती हूँ, दिया है प्रत्यभिजानामि पहचानती हूँ, स्वर संयोगेन, मैं उस राम के जो स्वर का संयोग है, कहाँ पर वो चढ़ाव है, कहाँ उनकी आवाज़ में उतार है, कितना तेजी से बोलते हैं, क्या मीठापन है, कितनी उनके आवाज़ में कर्कशता है, मैं उस श्री रामचंद्र जी के आवाज़ को पहचानती हूँ, उनके स्वर के संयोग को पहचानती हूँ। और ननु आर्य पुत्रेण एव एतद व्याहृतम, और तुम कह रही हो यह आर्य पुत्र की आवाज है ही नहीं, ननु आर्य पुत्रेण, यह आर्य पुत्र की ही आवाज है, दिया ना एव एतद व्याहृतम, व्याहृतम माने वाणी, अर्थात जो यह शब्द पृथ्वी विमान राज अत्रैव स्थियताम, यह शब्द जो हमने सुना यह उस श्री रामचंद्र जी के, उस आर्य पुत्र के हैं, ननु आर्य पुत्रेण, वह उस आर्य पुत्र के ही यह आवाज है। तब तमसा कहती है कि श्रूयते तपस्यता किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम, हमने सुना है कि कोई तपस्या में लीन शूद्र नाम का व्यक्ति है, उसको दंड देने के लिए इच्छुआक राजा अर्थात श्री रामचंद्र जी दंडकारण्यम आगत, दंडकारण में आए हुए हैं, दंडकारण्य जंगल में आए हुए हैं। तमसा बता रही है सीता से कि हे सीता, हमने लोगों के द्वारा सुना है कि तपस्या में कोई शूद्रस्य, कोई शूद्र जो है वह तपस्या में लीन है, उसे दंड देने के लिए वह इच्छाकुवंशी राजा श्री रामचंद्र जी दंड देने के लिए दंडाकरण्य अर्थात दंड आरण्य, दंडक आरण्य, दंडक वन में आगत माने आए हुए हैं। तब सीता कहती है दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा, दृष्टया माने भाग्य से, कि आज भी वह राजा
अपने धर्म से अपरहीन धर्म अर्थात अपने धर्म से हीन नहीं हुए। अर्थात आज भी राज्य की सेवा के लिए राज्य को नुकसान ना पहुंचे, दुष्टों का संहार करने के लिए वह आज भी जंगलों में आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज भी वह राजा अपने धर्म कार्य में राज्य कार्य में लगे हुए। सीता ऐसा वचन कहती है कि सौभाग्य से या भाग्य से भागी है कि आज तक वह राजा अपने धर्म कार्य में लगे हैं, राज्य कार्य से विमुक्त नहीं हुए हैं। आज भी वह राज्य कार्य कर रहे हैं, प्रजा की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए वह कहे सीता कि आज भी वह राजा जो है धर्म से हीन नहीं हुए। और फिर नेपथ्य से आवाज आती है कि अत्र द्रोमाय मृगा अपे बंधवों में, जैसे ही सीता कहती है कि आज भी वह आर्यपुत्र धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात धर्म को बचाने के लिए जंगलों में आकर राक्षसों का संहार कर रहे हैं, फिर नेपथ्य से आवाज आती है यत्र द्रोमाय मृगा अपि बंधवो में। बसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौग यत्र द्रोमाय मृगा अपि बंधवो में, यानी प्रिया सहचरश्चिर मद्दवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस गिरेस्तटानि गोदावरी परिसरस गिरेस्तटानि। बोले एतानि माने ये, तानि माने वे, ये वही बहुकंदर है माने गुफाएं हैं, ये वही बहुत गुफाएं, बहुकंदर माने अनेक गुफाएं हैं, और निर्झराणि ये वही अनेक झरने हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि यह नेपथ्य से किसकी आवाज़ है, श्री रामचंद्र जी की आवाज़ है कि पंचवटी में प्रवेश करते हैं, पंचवटी का दृश्य देखकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि, कि ये वही कंदराए हैं और ये वही झरने हैं। और गोदावरी परिसरस गिरेस्तटानि, और गोदावरी परिसर के समीप, गोदावरी नदी के समीप जो ये गिरेस्तटानि, ये जो पर्वत खंड है, इस पर्वत खंड में जो गुफाएं हैं ये वही हैं जब मैं पंचवटी में पहले रहा करता था, यह झरने भी वही है जब मैं 14 साल पहले यहाँ रहा करता था, यह झरना भी आज वही है, ये पर्वत भी वही है, ये गोदावरी नदी भी वही है, उसके बगल में जो कंदर जो गुफाएं और जो झरने दिखाई पड़ रहे हैं ये तानी तानी ये सब वही हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाओ ऊपर की लाइन में, यत्र द्रोमाय मृगा, यत्र माने जहाँ, द्रुमा अपि वृक्ष भी, मृगाय अपि मृग से जानवर का भी बोध होगा, ये मृग भी वही है, ये वृक्ष भी वही है, और बांधवों में, और मेरा इनके साथ बंधु बांधव जैसा व्यवहार था। मैं माने मम, मम से किसका बोध हो रहा है, श्री रामचंद्र जी का, कि यत्र द्रुमाय अपि मृगा अपि बंधवों में, कि ये वृक्ष भी वही हैं, ये मृग भी वही हैं, इनके साथ मेरा बंधु बांधव जैसा व्यवहार था, इसीलिए कहा यानि प्रिया सहचरस, कि जिसके साथ मैं प्रिया सहचर अर्थात श्री रामचंद्र जी। पूछ देगा कि प्रिया सहचर से किसका बोध हो रहा है, कि प्रिया के साथ निवास करने वाला था श्री रामचंद्र जी। क्लियर हो गया। यानि प्रिया सहचर अर्थात कि मैं इस चिरम
माने बहुत लंबे समय तक अध्यवात्सम निवास किया था। किसके साथ? प्रिया सहचरम, अपनी प्रिया के साथ। यह वही पंचवटी है, यह वही स्थान है जहाँ मैं अपनी माँ क्षमता जहाँ अपनी सीता के साथ बहुत लंबे समय तक चिरम अध्यवात्सम कि बहुत लंबे समय तक निवास किया था। यत्र द्रुमाय पि मृगा बंधो में, ये वही वृक्ष हैं, ये वही मृग हैं जिसके साथ मेरा बंधु बांधव जैसा व्यवहार था, और ये वही स्थान है जहाँ मैं अपनी प्रिया के साथ चिरम बहुत लंबे काल तक अध्यवात्सम बहुत लंबे काल तक समय व्यतीत किया। 14 वर्षों तक इस पंचवटी में रहा। एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणी, ये वही जंगल हैं और ये वही गुफाएं हैं, ये वही झरने हैं। अगोदावरे परिसरस गिरेस्तटानी, और ये वही गोदावरी के समीप पर्वतों के तट हैं। ऐसा वाक्य श्री रामचंद्र जी कहते हैं। उक्ता वसंत तिलका, अर्थात ये वसंत तिलका छंद है, तो एक साथ वाचन करिए। यत्र द्रोमाय पि मृगा अपि बंधो में, यत्र द्रोमाय पि मृगा अपि बंधो में, अर्थ आपसे बन ही जाएगा कि ये वही मृग है और ये वही वृक्ष है। यानि प्रिय सहचरश्च मध्यवश्य, यानि प्रिया सहचरश्च चिरमध्यवात्सम, कि मैं यहीं पर चिरम बहुत लंबे काल तक अपनी प्रिया के साथ रहा। और एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि, ये तानि माने वे, ये वही अर्थात 14 साल पहले वाले जो हैं झरने हैं और गुफाएं हैं। गोदावरी परिसरस, और ये गोदावरी के समीप जो पर्वत खंड दिखाई पड़ रहा है, एतानि तानि, ये वही पर्वत खंड है। ऐसा नेपथ्य से आवाज़ आती है। तो आज वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। शेष कक्षाएँ आपको अगले भाग में मिलेंगी। कैसा लगा कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल से जुड़े और अपने जो संस्कृत के समूह हैं वहाँ पर शेयर अवश्य करें। निःशुल्क सेवा है, आनंद उठाइए। इसी निवेदन के साथ नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभरात्रि।